महेश सर, आपकी ट्रैकिंग लिस्ट में कौन से ऐसे शेयर हैं जो आपकी रडार पर हैं आप? देखिए, दो शेयर है, वीआरएल लॉजिस्टिक है, जहाँ पे हमारे को थोड़ा सा कन्विक्शन बना हुआ है, तो यहाँ से एक फंडामेंटल के तौर पे वीआरएल लॉजिस्टिक पिक किया जा सकता है। और आप इसको 6 से 9 महीने का नजरिए रखिए, 675 तक के लेवल जो है अपन इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 650 तक के लेवल जो है शॉर्ट टर्म में अपन इसको देख सकते हैं, तो 518 का स्टॉप लॉस रखिए और इसको वीआरएल। दूसरा है क्रोनॉक्स लैब करके, तो वहाँ पे एक रिसेंटली लिस्टेड है, वहाँ पे एक अच्छा अपने को डेट फ्री कम टाइप की कंपनी है, वहाँ पे भी एक अच्छा मोमेंट देखने को मिल रहा है। और जैसे केमिकल है, बाकी सारी चीजों में पॉजिटिव न्यूज बनी हुई है, तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंट अपने को देखने को मिल सकता है। 6 to 9 month का नजरिए, यहाँ पे भी 225 तक के टारगेट जो है मान के चलिए, हो सकता है शॉर्ट टर्म में भी अपना काम कर दे, बट हमारा नजरिए 6 to 9 month के हिसाब से। जी ब्रजेश सर, आपके लिस्ट में कौन से शेयर हैं? विवेक, मेरे पास 3 स्टॉक है, दो डेरिवेटिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक टेक्निकल। तो पहला एक स्टॉक है, वो एनजीएल है। तो एनजीएल में का एक बेस फॉर्मेशन बन रहा है, उसमें 20-25 रुपए का एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रहा है। तो मैं एनजीएल पे करेंट प्राइस पर मैं रिकमेंड करूंगा कि लॉन्ग कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस है मेरा 1800 का रहेगा, और जो मैंने इनिशियली टारगेट इस पिक्चर देखा था 1850 के आसपास मैंने टारगेट बताया था, वो 50 का 1860 भी हो सकता है। तो एमजीएल में मुझे लगता है कि 20-25 रुपए का एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी एमजीएल में मिलेगा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा जो स्टॉक देख रहा हूँ मैं, टाटा केमिकल पे देख रहा हूँ। टाटा केमिकल जो 1090 के आसपास अभी जो ट्रेड कर रहा है, वो काफी साइडवेज ट्रेड कर रहा है। और इसमें एक ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि जो 1100 के जो स्ट्राइक प्राइस है, जहाँ पे जो लोगों ने शॉर्ट्स बनाए थे या फिर जो कॉल राइटर्स है, वो अपने पोजिशन धीरे धीरे काट रहे। तो मेरा मानना है कि शायद आज कल या फिर 1 या 2-3 दिन में हो सकता है कि टाटा केमिकल आपको 1100 के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आएगा। और जैसे ही 1100 के ऊपर निकलेगा, इसमें एक अच्छा खासा आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है, जो ये स्टॉक को 1120 से 1130 के आसपास लेके जाएगा। जो इसमें जो स्टॉप लॉस है 1080 का स्टॉप लॉस लेके हमें लॉन्ग ट्रेड लेना है। दूसरा एक स्टॉक है मन्नापुरम। मन्नापुरम में एक ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि 200-205 का लेवल पर काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड है, अभी 215 पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि एक लास्ट 1-2 दिन पहले 220 पे थोड़ा टाइम पोजीशन पे बने थे। तो मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में, आजकल में, हो सकता है कि मन्नापुरम 220 क्रॉस कर जाएगा। और ये जैसे ही 220 क्रॉस करता है, इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी 230 के स्ट्राइक प्राइस के लिए होगा। स्टॉप लॉस जो होगा वो 208 का रहेगा। जी, यहाँ पर तीन कॉल ब्रिजेश सर की तरफ से और दो कॉल महेश सर की तरफ से। तो एक बार महेश सर की कॉल से शुरू करते हैं। कौन सी दो कॉल जो कि महेश सर ने हमारे साथ शेयर की हैं? वीआरएल लॉजिस्टिक, यहाँ पर सर ने बताया कि 565 रुपये पर यह शेयर चल रहा है, 518 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है, ऑलमोस्ट 47 रुपये नीचे का। लेकिन आपको टारगेट क्या मिलेंगे? आपको मिलेंगे 590, 645, 675। तो जो हाईएस्ट रेंज है टारगेट की, वो यहाँ से 110 रुपये ऊपर तक है। तो एक अच्छा खासे टारगेट के लिए आप वीआरएल लॉजिस्टिक को ले सकते हैं। दूसरा काउंटर जो महेश सर ने हमारे साथ शेयर किया वो है क्रोनॉक्स लैब साइंस, 173 रुपये का शेयर है, 195, 210, 225 रुपये के टारगेट, यानी कि यहाँ से लगभग 50 रुपये ऊपर तक के मैक्सिमम टारगेट हैं, और इसमें स्टॉप लॉस आपको 148 रुपये का रखना है। तो ये दोनों ही शेयर महेश सर की तरफ से फंडामेंटली, साथ ही ब्रिजेश सर की तरफ से टेक्निकली और डेरिवेटिव के आधार पर। महानगर गैस, जहाँ पर कि 20 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस रख के 30 रुपये ऊपर का टारगेट आपको रखना है, 1850 का टारगेट, 1800 का स्टॉप लॉस। दूसरा काउंटर जो ब्रिजेश सर ने बताया वो रहा टाटा केमिकल, जिसमें कि 1086 रुपये पर ये काउंटर चल रहा है, केवल 6 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस और यहाँ से 34 रुपये ऊपर का अपसाइड। तो ये इंटरेस्टिंग काफ़ी कॉल है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड देखें तो 6 रुपये का केवल स्टॉप लॉस है। साथ ही जो तीसरी कॉल मन्नापुरम फाइनेंस, यहाँ पर देख लेते हैं, 214 रुपये पर सर ने कॉल दिया है, 6 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस है और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉल, 16 रुपये के अपसाइड के लिए। तो 5 कॉल जहाँ पर कि खरीदारी करके चलना है, और दोनों ही हमारे जो गेस्ट हैं इनकी तरफ से बाय साइड है। हालांकि हम प्रोग्राम को इसी समय पर एंड कर देते हैं, लेकिन एक काफ़ी खास दर्शक ने हमसे सवाल पूछा है, उनका सवाल मुझे लेना पड़ रहा है। ये विनीता जी हैं भूटान से, इनके पास 15 BDL के शेयर हैं सर, 1545 रुपये के। महेश सर, क्या करना चाहिए इनको? फिलहाल वापस से अगर 1545 की रेंज है, तो मीडियल में एक एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वापस से वो रेंज कम से कम आ जाएगी। पर थोड़ा सा टाइम फ्रेम जो है थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और उसके बाद में ट्रैक करिए। हालांकि बीडीएल के रिजल्ट्स जो है कभी कभार सरप्राइजिंग भी आते हैं,
तो मेरे हिसाब से ये काउंटर फिलहाल इसको लॉस नहीं बुक करके होल्ड करे तो ज्यादा बेटर है। बिल्कुल, भारत डायनेमिक के शेयर को अभी होल्ड कर चलें विनीता जी, और हमें काफ़ी खुशी है, थैंक यू कि आप भूटान से भी हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं और वहाँ से सवाल पूछ रहे हैं। महेश सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ब्रिजेश सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू।